जब मूवी का ट्रेलर आया था तो ट्रेलर देख के मतलब ऐसा नहीं लगा था क्या कि मूवी इससे भी ज़्यादा खराब आएगी। एक्चुअली ट्रेलर में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं गया था जिसको लेके मैं रिव्यू कर सकूँ, बट मुझे इस मूवी का इंतजार था कि यार चलो ट्रेलर तो कुछ खास नहीं है बट मूवी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। बट यहाँ पर यार मूवी उससे भी ज़्यादा मतलब मूवी को देखने के बाद मूड का एकदम मोए मोए हो गया। सो गाइस एक बात तो यहाँ पर सही है कि गूगल के अकॉर्डिंग ये 14 साल के बाद इस मूवी ने काफ़ी अच्छा खासा ओपनिंग किया है, मतलब 1.7 करोड़ का ओपनिंग फर्स्ट डे में किया है और वीकेंड में जाते जाते वो 5.25 करोड़, मतलब ये गूगल के अकॉर्डिंग है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल खुद बता रहा है। तो 14 साल में मतलब अजय देवगन की मूवी 14 साल में पहली बार इस तरह से मतलब अच्छा इनकम की है। बट यहाँ पर 2010 में एक मूवी आई थी तानपुर का हीरो, मतलब छोटे बच्चों पर आधारित वो मूवी थी, वो एक दिन में 0.44 करोड़ यानी कि स्टार्टिंग में जो भी लॉन्चिंग उसका डेट था उस डेट को 0.44 करोड़ का इनकम किया था, मतलब आज से 14 साल बाद। और 14 साल के बाद ये पहली ऐसी मूवी है जिसने 1.70 करोड़ ओपनिंग में इनकम किया है। और गाइज एक बात और है कि इस मूवी में यार कुछ चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही मतलब अजीब तरह से प्रेजेंट किया गया, जैसे किसी मूवी को भी एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार प्रेजेंट किया गया, तीन तीन बार दिखाया गया है। यार हमको मूवी समझ में आती है, हमको देखते हैं हमें मूवी आती है समझ में, बट यार इसमें देखो कुछ सीन ऐसे हैं जो कि दो बार दिखाए गए हैं, इनफ वहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो कि दो बार नहीं बल्कि तीन बार दिखाई गई है। अब भाई इसको लेकर क्या करो, मैं तो बोलता हूँ यार पूरी तरह से काट लिया गया हमारा। और भाई मैं बोलता हूँ पैसा बर्बाद, मतलब पहले दिन का ओपनिंग देख के 1.7 करोड़ देख के मैं भी इसका टिकट निकाला और भाई गया था, मतलब वहाँ पर जैसे मैं थिएटर के अंदर घुसा वहाँ के भाई नज़ारे, मतलब पूरी तरह से थिएटर खाली था यार, मतलब बता नहीं सकता मतलब किस तरह से यहाँ पर लगा है, समझ रहे हो यहाँ पर। तो गाइस पूरी तरह से थिएटर खाली था, कुछ भी नहीं था थिएटर में, एक दो लोग थे, मैं भी एक कॉर्नर का सीट लेकर बैठा था और कुछ लोग तो इंटरवल के पहले ही भाई वहाँ से निकल चुके। आप कमेंट में देख सकते हो भाई किस तरह से कमेंट किया गया है, मतलब ऐसा कमेंट इस मूवी को लेकर। हाँ माना कि इस मूवी में थोड़ी सी रोमांस लव थोड़ा सा एक्शन भी है, बट लव और रोमांस से काम नहीं चलता यार, आपकी जनता जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी है। मतलब तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे अपने घर से लेके पार्किंग तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़रा सोचो। मैं निकलूंगा तुरंत पार्किंग में चला जाऊंगा, लेकिन नहीं भाई यहाँ पर एक सीन था जिसको दरवाजे से लेके बाहर निकलना था, घर के अंदर से लेके दरवाजे के बाहर निकलना था, तो उसको भाई इतना स्लो मोशन में दिखाया है कि इन अजय देवगन तो वहाँ से बाहर नहीं निकला बट देखने वाला दर्शक जरूर वहाँ से उठ के बाहर चला गया। तो भाई एक सीधे सरल भाषा में बोलते हो कि इस मूवी को पूरी तरह से स्ट्रेच यानी कि खींचा गया है, बट मूवी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था लोगों का ऐसी मूवी नहीं थी, बट ठीक है देखते हैं आने वाली मूवी में, मतलब जो भी अभी मूवी आएगी बॉलीवुड से रिलेटिव उसमें क्या होता है। तो भाई जब आपको वीडियो सही लगा हो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।